नमस्ते मैं डॉक्टर सीमा बजाज डायरेक्टर ओमिया फर्टिलिटी आज हम बात करेंगे कुछ बातों के बारे में जैसे कि कुछ टिप्स होती है जो आपके आईवीएफ सक्सेस रेट को बढ़ा सकती है जब एक कपल आईवीएफ के लिए ऑफ करता है तो उसको फिजिकली इमोशनली और मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि पेशेंट्स को या कपल्स को ये समझना कि इसका हंड्रेड परसेंट सक्सेस रेट नहीं होता जब पेशेंट्स या कपल जो आई के लिए ऑफ करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो इस प्रोसेस में हंड्रेड परसेंट गारंटी होगी नहीं इसका सक्सेस रेट हंड्रेड परसेंट नहीं होता तो कुछ बातों का हम ऐसा ध्यान रख सकते हैं जो कि इसके सक्सेस रेट को बढ़ा सकता है या डबल कर सकता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डाइट डाइट में आपको अपनी डाइट में ये नहीं है कि आप आई के लिए आज ऑफ कर रहे हैं आज से अपनी डाइट को आप इम्प्रूव करेंगे तो आप सक्सेस हो जाएगा आपको अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना होता है जिसमें से दो से तीन महीने पहले आप अपनी डाइट को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो आप अपनी डाइट में फिश को ऐड कर सकते हैं और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो अपनी डाइट में आप चिक्कीज दालों को इम्प्रूव कर सकते हैं आपको वाइट फूड को अवॉइड करना है जैसे मैदा को आपको प्रोसेस फूड को अवॉइड करना है आपको अपने डाइट में बहुत सारे फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ऐड करना होगा आपको अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को इंक्रीज़ करना होता है आपको ज़्यादा प्रोटीन लेना होता है अपनी डाइट में और इंपॉर्टेंट है कि आप जो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं वो मोनोसैचुरेटेड हो जैसे कि एवाकांडो अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं आप अपनी डाइट में नट्स को ऐड कर सकते हैं जब आप एक प्रॉपर डाइट लेंगे और आपकी बॉडी एक प्रॉपर्ली उस डाइट को एक्सेप्ट करेगी तो आपके चांसेस ऑफ सक्सेस हमेशा बढ़ जाते हैं दूसरी बात होती है कि एक्सरसाइज की या आपके बॉडी वेट की अगर आपका बॉडी वेट एक रेंज में होना चाहिए अगर आप ओबीस है या बहुत थिन है तो आपके चांसेस कम हो जाते हैं अगर आपका बी एम से ज्यादा है या नाइनटीन से कम है तो आपको अपने बी को मेनटेन करना है आपको बहुत ज़्यादा रिगरेस एक्सरसाइज नहीं करनी होती आप एक रूटीन अपना बांध लीजिए कि आपको ये एक्सरसाइजेस करनी है आपको वॉकिंग करनी है जिससे आप अपना बी एम सके ये जरूरी नहीं है कि केवल आई के लिए नहीं होता अगर आप प्रेग्नेंट भी हो जाएंगे और आप अगर ओबीस है तो आपको चांसेस होते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस हो प्रेगनेंसी में तो इन सब को अवॉइड करने के लिए आपका अपना बॉडी वेट बिल्कुल एक रेंज में रखना चाहिए जिससे आपके चांसेज ऑफ आई और कंसेप्शन उसके बाद प्रेगनेंसी के को कैरी करने के चांसेज अच्छे रहे जब हम अपने वेट को कंट्रोल करते हैं तो हमें अपने एक्सरसाइज का रूटीन बनाना चाहिए कि हमें आ, हफ्ते में तीन दिन या चार दिन एक्सरसाइज करेंगे जब हम आ, अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम कार्डियो एक्सरसाइज भी कर सकते हैं हम विग्रेस एक्सरसाइज भी कर सकते हैं पर जब हम आई के प्रोसेस में एनरोल हो जाते हैं और जब हमारा इंजेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं तो हमें एक्सरसाइज को थोड़ा सा कम कर देना चाहिए मोड ऑफ द वॉकिंग करनी चाहिए बहुत विगरेस एक्सरसाइज को अवॉइड करना चाहिए दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है स्ट्रेस देखिए कोई भी प्रोसीजर जब हम करने जाते हैं या कोई भी पेशेंट जब कर होता है तो उसका स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होता है जो आपका स्ट्रेस होता है या स्ट्रेस लेवल्स होते हैं, वो आपके हार्मोन्स को इंबैलेंस कर देता है जिसकी वजह से आपके इम्प्लानशन आपके एग्स नंबर्स सब कुछ कम होने लगते हैं तो स्ट्रेस को आप कम करिएगा उसके लिए चाहे आप मेडिटेशन करिए आप योगा करिए अपनी फ्रेंड से बात कर सकते हैं तो ये सब चीज़ें करने से आपके चांसेस ऑफ कंसेप्शन ज़्यादा हो जाते हैं जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं या आप दिखा रहे होते हैं तो वो आपको कुछ सप्लीमेंट्स ऐड करते हैं जैसे कि विटामिन डी है विटामिन डी आप आ, पहले से शुरू कर सकते हैं आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट के हिसाब से या वीकली डोज में ले सकते हैं जिससे आपकी बॉडी प्रिपेयर हो जाती है और विटामिन ए बी सी ये भी ऐड कर सकते हैं कुछ टैबलेट्स होती है कौन क्यूटेन जो कि आपके डॉक्टर आपको ऐड करेंगे जिसकी वजह से आपकी जिससे आपकी बॉडी प्रिपेयर हो सकती है और ये सब आपके चांसेस ऑफ कंसेप्शन बढ़ाते हैं आ, ऐसा नहीं होता कि केवल एक फ़ीमेल को ही अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना है आदमी या मैन को भी अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना होता है इस प्रोसेस के लिए तो अगर वो अल्कोहल ले रहे हैं या स्मोकिंग कर रहे हैं तो उनको क्विट करना होता है कम से कम दो से तीन महीने पहले क्योंकि अल्कोहल और स्मोकिंग या कैफीन आपकी, आपकी आ, स्पर्म्स के डी एन फ्रेगमेंटेशन को बढ़ा देता है जिसकी वजह से आपका जो फर्टिलाइजेशन होना है एम बनने हैं उसमें दिक्कत आ जाती है आपको बहुत ज़्यादा विग्रेस एक्सरसाइज नहीं करनी आपको बहुत हेल्दी डाइट लेनी होती है और सप्लीमेंट्स ऐड होते हैं जिसकी वजह से आपका स्पर्म काउंट इंक्रीज होता है जब भी ध्यान तो रखना होता है कि तीन से चार दिन का हो है, तो वह एडअप हो जाती है इन सब बातों का हम ध्यान रखते हैं तो चांसेस ऑफ आई वी एफ कंसेप्शन इंक्रीज हो जाता है एक बात का और ध्यान रखना होता है जैसे कि पैटर्न कम से कम आपको एट आवर्स या नाइन आवर्स की स्लीप लेना चाहिए और एक टाइम पे सो जाना चाहिए जैसे अर्ली उठ के आप अपनी एक्सरसाइज या अपना रूटीन बना सकते हैं ऐसा नहीं है कि बहुत लेट नाइट काम करते रहे जिससे आपके हॉर्मोन्स का डिसबैलेंस हो जाता है आखिर मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए या पेशेंट्स को बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम कौन से आई सेंटर में इनरोल हो रहे वहाँ का लैब कैसी है वहाँ का डॉक्टर्स कैसे हैं वहाँ के इनरोलर्स कितने एक्सपीरियंसड है तो ये सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका आई का सक्सेस के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमें इनबॉक्स में आ, लिख सकते हैं या हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फ़ोन कर सकते हैं एट ओमिया फर्टिलिटी सौदाजंग इनकल Thank you.